क्यों ना, यस ऐसा सर, आई करें। विल चेंज माय नेम। शुड आई चेंज इट फॉर यू, और कैन यू चेंज इट? सलाम शाबाश। सर, आई कैन चेंज इट। अच्छा, यू कैन चेंज इट। ओके, फाइन। शावेज, कैन यू टर्न योर माइक ऑन? इज इट पॉसिबल टू टर्न माइक ऑन, शावेज? यस सर, कैन यू हियर मी सर? या, आई कैन हियर यू परफेक्टली फाइन। सो इन डी ब्लॉक्स डू यू हैव एनी स्पेसिफिक डॉट, लाइक क्या कंसर्न है आपका डी ब्लॉक से? सर, लाइक आई डोंट हैव स्पेसिफिक डाउट्स, बट या देर आर सम स्मॉल डाउट्स रिगार्डिंग दैट चैप्टर। जैसे यस, ऐसे एक एक डाउट है जो हम आपसे लोग से ना इन डिस्कस करना फ्रॉम द चाहते हैं, प्रिपरेशन प्रिपरेशन। ऑफ जी जी बताएं चार्विस। यस सर, इन दैट आल्सो सम डाउट्स आर देयर, लाइक एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में खैर प्रिपरेशन नहीं है, वो तो प्रॉपर्टीज में आएगा ना कि यस सर, क्रोमेट और डाइक्रोमेट है ना, तो यस सर, एसिडिक यस सर। मीडियम हो जाता है। अच्छा तो आप अच्छा ठीक है, आप एक बार नोट्स के से ना गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है? एंड उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट्स होगा ना तो फिर आप बताइएगा, है ना? नोट्स हमने जो भेजे ना आपको। एंड यस सर, एक जो स्पेसिफिक डाउट है ना वो हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, जिसकी वजह से जनरली कंफ्यूजन होता है। अच्छा देखिए, एक सवाल है, एक सवाल आता है, डीएनएफ ब्लॉक आया है, फिर भी आई एम डिस्कसिंग इट राइट नाउ। डीएनएफ ब्लॉक में एक सवाल आता है कि ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, है ना? वाई? तो इसके आंसर में हम लोग लिखते हैं ड्यू टू लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी। सही है, क्या ख्याल है गाइस? यही है ना आंसर? मतलब बेसिकली आके आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर टू प्लस इज नॉट सो हाई दैट इट कैन काउंटर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इट कैन कैंसिल या बैलेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एटोमाइजेशन एंथैल्पी। कुछ याद आया? यस और नो बोलेंगे प्लीज। याद आया यस कुछ, सर, है ना? यस सर। ठीक। अब एक और जो दूसरा सवाल होता है दैट इज ई नॉट, नहीं, एक सवाल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर टू प्लस इज मोर स्टेबल देन कॉपर पॉजिटिव। सही है, तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर लिखते हैं? ड्यू टू हाइयर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव। सही है, ऐसी कुछ है, क्या ख्याल है? यस सर, तो दीज आर सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, है ना? कितने लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है कि कहीं पे लोअर है कहीं पे हायर हो जा रहा है? अच्छा, किसी को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा ना? चलिए ठीक है, जिनको थोड़ा सा आई मीन इफ दे आर हैविंग अ बिट ऑफ डाउट देन प्लीज सी, व्हेन वी से लोअर एंड हायर इट इज ऑल ऑलवेज कंपैरेटिव, राइट? सो लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव, नाउ हियर एट दिस पॉइंट वी आर कंपेयरिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ पे जो हम हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर टू प्लस बोल रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग इट विद द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, मेक सेंस? बेसिकली नहीं, सबको समझ में आई बात? जी बताएं। यस सर, यस ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग चलते हैं अमीन की तरफ। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? आप कोई सैंपल पेपर कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, कुछ डाउट आया हो तो बताएं। चलिए जल्दी से इसको आंसर करेंगे। सर जी जी शाबाश। सर एट लर्निंग देयर इज
असाइनमेंट, सो फ्रॉम देयर वी कैन डू द पीवाईक्यूज, राइट? बट दोस पीवाईक्यूज आर नॉट, दे आर ओनली टिल आई थिंक 2020, उसके बाद के नहीं है। आई एम अगेन सेइंग अगर पीवाईक्यूज करना है तो एमटीजी, ये हम बोलिए सर को पैसा मिल रहा पक्का एमटीजी के, बाकी किसी का भी ले लो ठीक है, बट इट शुड हैव एटलीस्ट, देखिए 2017 से लेके 2017 टू 2023 ठीक है, इट Because शुड बी sir, देयर। like one of the questions from in maths exam got repeated, like 9 years old question. 9 year old question, Yes sir. मैथ एग्जाम हो गया क्या? Yes यस sir. सर। है कब था मैथ? Sir, प्री नो सर, बोर्ड्स. प्री बोर्ड्स ना हुआ है यार, यस सर, प्री अजीब बोर्ड्स. हाल है। प्री बोर्ड का क्या लेना देना बोर्ड से, आपकी सऊदी से जा रहा है क्वेश्चन पेपर? प्री बोर्ड 9 साल पहले कुछ नहीं रिपीट हो, शावे से इतना सीरियसली बोल रहा है, हमको लगा बोर्ड्स में आ गया। अरे भाई सर वन कोई भाई पी रहे, ठीक है पागल, हम देखें जी बताते हैं उसको ठीक है, क्या कह रहे थे ठीक है। देखिए आई एम रिकमेंडिंग 2017 से 23, वो इस वजह से, द रीजन इज बिकॉज पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, अब क्वेश्चन देखिए ना 2017 से 2023 में जो वाइब है, आपके लैंग्वेज में जो वाइब है सवालों का ना, वो काफी सिमिलर है। और इफ यू कंपेयर द क्वेश्चन ऑफ 2014, आपको अक्सर सवाल 2014 के ना टफ लगेंगे, अक्सर सवाल ठीक है। तो आप इसी 2014 2015 का जो पेपर था, अक्सर आपको क्या लगेगा, इनके सवाल आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको टफ लगेगा ठीक है। अब देख लीजिएगा कंपेयर करके, तो एमटीजी की किताब है उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दिया हुआ है, दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग दैट आपको कोई और पब्लिशर का मिले, आपके पास अपना पब्लिशिंग हाउस हो जो भी हो आप ले लीजिए, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स का ठीक है। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई शावेज ठीक है, यस सर. वो ले लीजिएगा प्लीज ले लीजिएगा ठीक है ना। लर्निंग में प्रीवियस प्रीवियस ईयर है, बट आई थिंक दैट इज ओनली टिल लाइक इट इज प्री कोविड, कोविड के बाद वाला नहीं आई गेस, हमको जहां तक ध्यान है ठीक है। इट इज तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, या फिर हम अभी बोलेंगे तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा है ना टाइपिस्ट को टाइप वाइप करने के लिए, उससे अच्छा है कि आप लेके रखें। अच्छा खैर पार्कर आपका सवाल था कि वाइज पी डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटाइसम्स, इसमें हम एक और एडिशन कर देते हैं ठीक है। आप अगर देखिएगा बुक में भी ना, तो पी डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, लेट मी शो यू द वैल्यूज ऑल्सो। तो उसको मिला के आई थिंक 2023 में लास्ट ईयर ही सवाल आया था यस सर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। है ना, उसमें बॉइलिंग पॉइंट को भी पूछा है ना साथ में, ये बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं, देखिए देखिए है असल में, चाहिए हम बस ये दिखा देते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ट्राई का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेरेटिव कंपेरेटिव, जी हाँ ठीक है, मतलब वैल्यू से बस हम आपको दिखा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी अगर सवाल आ जाए तो कैसे आंसर करना है। पी डाइक्लोरोबेंजीन का क्यों होता है वो तो आपके नोट्स में ऑलरेडी है ठीक है, उसमें कुछ आपको दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इतना तो आंसर याद था आपको पार करके, ये याद नहीं था, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट हैज हाइयर पैकिंग एफिशिएंसी एंड हेंस द मेल्टिंग पॉइंट इज हाइयर, याद था आपको पार्कर? नो या तो ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखिएगा ना, दिस हैज 448 ठीक है, और ये कितना है बॉइलिंग पॉइंट 448 और ये है 453 ठीक है, तो यू कैन सी दैट ऑर्थो का ज्यादा ही है, बट इफ यू ऑल्दो ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगर हम कंपेरेटिव बोलेंगे ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल, बट इफ यू लुक एट दी मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट हैज अ ह्यूज डिफरेंस, इन दोनों का तो ऑलमोस्ट बराबर है बट 323 इज क्वाइट हाई ठीक है।
मेल्टिंग पॉइंट इज हाई वाई बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन पैकिंग ऑल्सो हाउ सिंपल दस हाँ हाउ द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड तो बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल पी आइसोमर इज सिमेट्रिकल देयरफॉर हैज हाइयर पैकिंग एफिशिएंसी एंड हाइयर मेल्टिंग पॉइंट नॉट बॉइलिंग पॉइंट ठीक है पैकिंग एफिशिएंसी पे पैकिंग का मतलब सॉलिड ही पैक हो सकता है ना लिक्विड तेज फैलते रहता है ठीक है चलिए अच्छा अच्छा एक एक सवाल आप लोगों से ना ध्यान सुनिएगा डू यू वॉन्ट मार्किंग्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज और मार्किंग स्कीम दोनों नहीं समझ में सर। आया नहीं समझ में आया बोर्ड का सर बोर्ड 2023 का PYQ लाइक ऑल द सेट्स ऑल द सीरीज है ना और उसका फिर मार्किंग स्कीम भी लाइक द वे इट हैज बीन मार्क ठीक है आई वुड रिकमेंड हम भेज देंगे कुछ ज्यादा नहीं भेजेंगे कुछ सेट्स का भेज देंगे ठीक है और उससे आपको हेल्प ये मिलेगी ना हाउ टू राइट दी आंसर्स ठीक है एंड आई विल चलिए और किसी पेपर में देखिए केमिस्ट्री के पेपर में ऐसा होता है कि सवाल मतलब एक पर्टिकुलर आंसर आपको लिखना पड़ता है और कोई ऐसा सब्जेक्ट है बायो में भी ऐसा होता है क्या इरम बताइए जिस तरह के मिस्टेक्स केमिस्ट्री में होते हैं ना गिव रीजंस वाले सवाल में कि एग्जैक्ट वर्ड वो सही वर्ड नहीं लिख पाए क्या बायो में भी ऐसा ही होता है इरम नहीं बायो है ना आता आपका सर नहीं नहीं होता ऐसा नहीं इसमें होता ऐसा नहीं होता जिस तरह की मतलब केमिस्ट्री डिमांड्स सर्टेन वर्ड शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर आई होप ऑल ऑफ यू रियलाइज दैट यस और नो ऐसे यहाँ पे सिमेट्रिकल पैकिंग एफिशिएंसी ये वर्ड होना जरूरी है ना अरे भाई मैं तो बात नहीं करता यार हम ही बोलते रहते हैं सिर्फ यस और नो गाइस यस सर यस सर है ना बट इस हाँ ठीक है चलिए तब इस तरह की चीज अगर नहीं होती दूसरे सब्जेक्ट में तो दूसरे सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम देखने की आपको जरूरत नहीं है अदरवाइज फिर हम सर टीम से कहते हैं जी जी बताएं भी आई थिंक होता है बायो में बिकॉज अभी थोड़ा पैटर्न बदल गया है तो बायो के लिए हम लर्नियो को बोल देंगे केमिस्ट्री का हम कुछ भेज देंगे ठीक है ना दो दो पेपर भेज देंगे हम कुछ सालों का आई थिंक आप लोग का एक अंदाजा लग जाएगा ठीक है उसको अच्छे से प्रिंट करा के ना एनालाइज कर लीजिएगा बिल्कुल ऐसे सवाल आता है ऐसे आंसर देना रहता है ठीक है उफ चलिए ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री अमीन आया किसी का आंसर किसी का तो आया आंसर देखते हैं यस मरियम खातून यस रबा करेक्ट वेरी गुड इज वन मिथ ये आपका पहला क्या वन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन ठीक है तो अमीन में कितना लगा हुआ है एक मिथाइल लगा हुआ है और एक साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है टू एल्काइल ग्रुप दैट मींस दिस इज 2 डीपी ट्राई इथाइल अमीन अमीन है एंड इट इज व्हाट इथाइल ग्रुप इज अटैच्ड हाउ मेनी 3 तो दिस इज 3 डिग्री टर्ट ब्यूटाइल अमीन टर्ट ब्यूटाइल अमीन टर्ट ब्यूटाइल ये होता है ठीक है और इस पे NH2 लगा हुआ है तो ओनली वन एल्काइल ग्रुप इज अटैच ठीक है एन मिथाइल एनिलीन दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री बिकॉज एक आपके पास एनिलीन वाला हो गया बेंजीन रिंग नाइट्रोजन और इस पे CH3 एंड हियर यू विल हैव हाइड्रोजन ठीक है दिस सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट आयो पैक नेम फॉर सबसे पहले आते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज वॉट अमीन अनसैचुरेशन इज वॉट डबल बॉन्ड दैट इज वाई इट विल बी ई एन पेरेंट पेरेंट शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप इफ नॉट देन द अनसैचुरेशन तो ये एक कार्बन भी इसके पास NH नाइट्रोजन है और इसके पास भी नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली जहां पे अनसैचुरेशन है उसको हम लोग पेरेंट कार्बन लेंगे सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मेनी कार्बन 1, 2, 3 कार्बन दैट इज 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है ड्रॉप देन दी हैव सब्सिट्यूएंट सो सब्सिट्यूएंट इज गोइंग टू बी दिस मिथाइल CH3 के लिए क्या होता है मिथाइल ठीक है तो एन एक ही आंसर सही है डी वाला एन और किसी में है ही नहीं चलिए ठीक है तब तो एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमीन है ना 1, 2 ठीक है डी ऑप्शन इज करेक्ट चलिए मूविंग ऑन
यहाँ से हमको एक चीज याद आ गई, हम आप लोग को थोड़ा सा कई कुछ हमको लगता है एक दो क्लास में हमने नहीं बताया था, सो नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन गैस फेज, ठीक है। गैस फेज में क्या होगा, 3 डिग्री विल बी मोस्ट बेसिक, फॉलोड बाई 2 डिग्री एंड देन फॉलोड बाई 1 डिग्री। इसमें कोई इथाइल मिथाइल नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई थिंक एक दो क्लासेस में हमने शायद इसको नहीं टच किया था, ठीक है। तो जिनको ये नया लग रहा है, जिनको नहीं भी लग रहा है, वो प्लीज इस पॉइंट पे लिख लें, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन गैस फेज, नॉट एक्वस फेज। एक्वस फेज का हमने सब जगह डिस्कस किया जहां तक हमको याद आ रहा है, ठीक है। और एक्वस फेज का ही सवाल है अगला, ठीक है। ट्राई दिस। ये तो आपके पास 1 डिग्री है ना, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पे आपके पास है, दिस इज आल्सो 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, ये तो हो ही नहीं सकता है, दिस इज एनिलीन, है ना। 2 डिग्री विल बी द मोस्ट बेसिक, एक सेकंड। I've got two answers. Benzylamine may be alkylated as shown. In the following equation, which of the following alkaloid is best suited for this reaction through SN1 mechanism? है ना? SN1 में क्या होगा? This is going to attack here. ठीक है? And SN1 में it should go through a stable carbocation. ध्यान रखिए, SN2 नहीं है, SN1 है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू गिव यू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आपको वो चूज करना है। आंसर चेंज में लगता है, हाँ आंसर चेंज में, अब सही सभी लोग, बहुत बढ़िया, चलिए।
ठीक है, C6H5CH2 बिकॉज CH2 पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आया था आपका प्रीवियस ईयर में एज इट इज, इसका हम आंसर आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। इसमें मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड नॉट बी गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन अराइल नाइट्रो कंपाउंड टू अमीन। उसमें शायद ऐसे बोला था नाइट्रो बेंजीन टू एनिलीन, है ना, नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन के लिए कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। सी वी ऑल यूज नाइट्रो के लिए H2PT यूज करते हैं, इसको आपने यूज करते हुए नहीं देखा होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स करके होगा या फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स करके होगा। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन LiAH4 नहीं है, FeHCl भी है, SnHCl भी है, ठीक है। सो दिस LiAH4 मेथड इज नॉट यूज्ड, ठीक है। इसका रीजन होता है बिकॉज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड। सर, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन? दिस वन, इसमें देखिए मैकेनिज्म तो नहीं है इसका आपके इसमें, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करने के बाद ना इट गिव्स यू अ कंपाउंड दैट इज लाइक दिस। नाइट्रो था तो नाइट्रो में ये एन डबल बॉन्ड एन, इस तरह से कुछ रिडक्शन हो जाता है, यू गेट ओके, एज ओ कंपाउंड। एज ओ कंपाउंड इसमें एन डबल बॉन्ड एन होता है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द नोट्स ना, तो नोट्स में हमने ये भी लिखा है कि H2PT को यूज कर सकते हैं, FeHCl को यूज कर सकते हैं, SnHCl को यूज कर सकते हैं, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट यूज, ठीक है। रीजन इसका ये बिकॉज इट गिव्स एज ओ कंपाउंड। वैसे रिडक्शन का आपको के पास मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है। इट डज नॉट गिव अमीन्स, आपको क्या चाहिए था, अमीन चाहिए था ना नाइट्रो से, यू हैड एनओ टू एंड यू नीडेड अमीन NH2, ठीक है, ये कंपाउंड चाहिए था आपको, बट इफ यू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यू विल गेट दिस कंपाउंड। ईथर नहीं था उसमें, ऑप्शंस में सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ था। चले आगे, यस सर। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, मतलब गैबल सिंथेसिस से, गैबल सिंथेसिस सब पढ़ते हैं। तीन आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया, सही, सबने सही जवाब दिया है, हाइड्रोजन का सोर्स ये होता है। आप लोग प्रीबोर्ड और रीबोर्ड में आया था क्या ये सवाल?
रिपोर्ट में आया था? नहीं आया था। ये बताएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली वन थैलेमाइड। हाँ जी जी करेक्ट है, बट ध्यान नहीं रहता ना कृष्ण प्रिया सबको इसके बारे में। प्रभा मरियम कृष्ण प्रिया रमन शारद। ओके ठीक किसका आंसर आया? पार्कर। दो आंसर्स आ रहे हैं। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम एल्यूमिनियम। देखिए इसमें दिक्कत ये है, आप एक्सेस ऑफ H2 तो बोल दिया उन्होंने, इन्होंने पीटी नहीं बोला, निकल नहीं बोला, है ना। ब्रोमीन तो क्या होता है? इट इज ब्रोमीन जो होता है ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फेट इट इज गोइंग टू गिव यू, वो आपके पास आयोडीन वगैरह लग जाएगा अल्फा कार्बन में। यहाँ पे आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। H2 के साथ PT अगर रहता तो शायद इसको साथ कंसिडर कर सकते थे, बट ओनली H2 इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस, प्लैटिनम होना जरूरी है। ये बताइए जरा। सर जी सर इन पेंथोन यू कैन यूज ब्रोमीन इन एक्वस एंड एच ऑल्सो राइट सॉरी व्हाट? इन 10th क्वेश्चन यू कैन यूज ब्रोमीन इन एक्वस एंड एच ऑल्सो राइट हमको तो नहीं लग रहा है। व्हाई हाउ सर सर? होफमैन ब्रोमाइड डी सर तो डिग्रेडेशन हो जाएगा ना फिर तो। नहीं बिकॉज इट शुड बी ब्यूटेन आई मीन इफ इट्स नॉट डिग्रेडेशन है ना, डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है ना, लेकिन प्रॉप से प्रॉप ही जाना है राइट। नो सर बट सीओ इज नॉट नहीं, एक सेकंड, टू फिनाइल प्रोपेन अमाइड। एक और कार्बन आएगा ना। सही है।
अमीन, तो सी डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा ना, बताइए, डिग्रेडेशन ही हो रहा ना जनाब जी। टेल मी गाइस, ये दैट्स नॉट प्रोपेन, आई मीन रेड डेट प्रोडक्ट। तो प्रोपेन नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा साफ साफ बोलेंगे शाबाश प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नो सर, लाइक एमाइड, इन एमाइड देयर इज सी डबल बॉन्ड एंड एनएच टू राइट, सो लाइक सीओ इज नॉट देयर राइट इन प्रोपेन, आई मीन। भाई कार्बन है, सीओ नहीं बोलिए ना, ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ, ओके सर, मेक सेंस? नंबर ऑफ कार्बन यस आइटम इज सेम इन बोथ द केसेस। इरम आपको समझ में आया? आई थिंक आपको भी टॉप थोड़ा सा डाउट आ रहा था। यस ठीक है, ये तो बी होगा है ना, सी ओ एच टू हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। दीज आर थोड़ा सा ये फैक्चुअल की तरफ चला जाएगा। ये अल्कोहल में हमने बताया हुआ था थोड़ा सा, अगर आपको कोई याद हो तो। आर एन एच एच है ना, उसके बाद एच एन ओ टू को ओ एच, कुछ याद है ऐसे करके? फाउल स्मेल? अरे फाउल स्मेल ऑप्शन में नहीं है भाई, याद आया? नहीं याद आया किसी को? आर ओ एच एन टू और एच टू ओ, या भाई किसी को याद नहीं आया ये? वन वन कहाँ से सर, होगा, एन टू होगा ना? जी, बताएं शावेश कुछ बोल रहे हैं आई आप? रिमेम्बर। अंडरस्टूड, ये है ना, कराया है ना हमने? हाँ यस सर, ऐसे ही कराया हुआ बिल्कुल। नहीं देखो अल्कोहल, मैं थोड़ा प्रिपरेशन का लास्ट होगा, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए ऐसे ही कराए बिल्कुल। चलिए अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन। यूटीन का आंसर करेगा गाइस, मोस्ट एसिडिक जो होगा वही रिएक्टिव है ना, मोस्ट सॉरी मोस्ट बेसिक, इट विल बी रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हिच इज गोइंग टू बी द मोस्ट बेसिक? सर 3 डिग्री, 3 डिग्री? नहीं रे भाई, क्यों 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री हाँ होगा सॉरी ना, सर, सॉरी 2 डिग्री, 2 डिग्री सॉरी ना, सर, 2 डिग्री आई इज थॉट मोस्ट इट वाज इथाइल बेसिक। सब्स्टिट्यूट, सॉरी आई थॉट इट वाज इथाइल सब्स्टिट्यूट।
इथाइल हो चाहे मिथाइल हो, सब में 2 डिग्री, दोनों में तो मोस्ट बेसिक 2 डिग्री है ना, यस ठीक है, दोनों में ही मोस्ट बेसिक 2 डिग्री ही है। अच्छा आंसर आए हैं, ये पार्कल 3 मेरिडियन। तो लड़ाई होगी भाई, लड़ाई होगी, लड़ाई। ये देखिए थोड़ा सा आप लोगों को इसको याद रहना चाहिए इस वजह से, बिकॉज एसिड एनहाइड्राइड और एनिलीन का रिएक्शन जब होता है ना, और हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन इज डन, उसमें एसिड एनहाइड्राइड और NH2 रिएक्ट करते हैं, इट मेक्स अमाइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड हो या फिर एसिड हलाइड हो और इवन ईस्टर, ये सारे ही के सारे क्या देते हैं, इट गिव्स अमाइड। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आई थिंक बायो मॉलिक्यूल्स कल ही करना पड़ेगा यार, कल करना पड़ जाएगा वो क्लास, कल हमें क्लास करानी पड़ जाएगी। चैप्टर छोटा लेकिन समझ काफी है इसमें।
आंसर्स आ गए ऑलमोस्ट सबके। अच्छा फंस गए कुछ बच्चे। टू 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 एरम वन या टू। यस सर एरम जी। सर लेकिन सैंड में इट्स कॉपर क्लोराइड राइट। क्यूबरस क्लोराइड या गैटरमैन है ये। गैटरमैन दिस यस सर। इज गैटरमैन एरम। तारी दिस इज गैटरमैन। सैंडमैन में होता है क्यूबरस क्लोराइड CuCl या फिर ओह यस Cu2Cl2 है ना यस आई गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। जी। कंफ्यूज तो हो सकते हैं जब बात तो सही है। प्राइमरी अमीन का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है बनाने का, यह सवाल। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर प्राइमरी अमीन्स। आंसर्स आ चुके हैं। ए नहीं होगा भाई, ए तो होगा ही नहीं। विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, जो पहले तारीख पहले वाले के लिए बोल रहे थे क्या, वन हॉफमैन देता है बट हॉफमैन चेंजेस ना द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सर गैब्रियल इज बेस्ट। मरियम मेक सेंस। मरियम बात समझ में सर आई। ठीक बताए। ओनली टू आंसर्स। टफ हो गया क्या सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रांस्टेड बेस।
ये जरा, वीकेस्ट बेस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्या ख्याल है जी बताएं? यस सर, ये दोनों तो फिर भी बेसिक है, दीज टू आर द एसिडिक इन नेचर, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल, फिनोल। ठीक है, फिनॉल सही होगा, ठीक है। अच्छा, कोई आंसर ही नहीं दे रहा, इसमें तो सारे नाइट्रोजन वाले हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड अभी इसमें बताना है आपको, ठीक है? देखिए, NH3, ये बताना आप लोगों को, 2 डिग्री इज द मोस्ट बेसिक, क्या ख्याल है बताएं? करेक्ट है, 2 डिग्री विल बी मोस्ट बेसिक। नहीं, ये यस सेकंड नंबर आंसर शाविश दे रहे थे, ठीक है, हम नहीं बता रहे, सेकंड नंबर आंसर है, यस और नो गाइस? 2 डिग्री मोस्ट बेसिक ना? यस नहीं, 2 डिग्री तो 2 डिग्री कौन बताइए?